अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज फरहान परवेज, दिस इज आपका भाई राहिल शहजाद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है टॉप 3 फूड डेस्टिनेशन इन इंदौर। और इंदौर, और ये वीडियो किसी ने सजेस्ट नहीं करी, ये मैंने कहा यार यूसुफ भाई बेचारे बहुत अरसे से हम उनको भूल चुके हैं। एक दफा भी हमने उनकी किसी रिक्वेस्ट पे कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत टाइम हो गया हमने उनको उनके किसी भी। जिसको नहीं पता वो बता दें कि यूसुफ भाई जो है हमारे उन सब्सक्राइबर्स में से हैं जो फर्स्ट डे को जिन्होंने समझो हमें ज्वाइन करा होगा, जब हमारे कोई 300 या 200 भी सब्सक्राइबर नहीं थे। और ऐसे बहुत सारे हैं, पालाश है, और भी बहुत सारे हैं, मैं नाम लूंगा तो शुरू के मुझे याद है नाम कुछ लोगों के, लेकिन अभी अभी माशाल्लाह ये इतनी बड़ी टीम हो गई है, डे बाय डे इसके अंदर ऐड हो जा रहे हैं और इसमें ऐड हो जा रहे हैं डे बाय डे लोग। तो ये थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, सबके लिए यस, और हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे ये वीडियो स्पेशली यूसुफ भाई आपके लिए, स्पेशली मैं आपके लिए लेके आया। हमने कहा यार इंदौर की फूड वगैरह इंदौर के फूड वगैरह, उन्होंने हमें पढ़े पहले हमारी बड़ी जबरदस्त इनसे बड़ी लंबी लंबी बातचीत होती थी। उन्होंने हमें अपने शहर के बारे में बताया कि आई लिव इन इंदौर और वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ पे क्या क्या क्वालिटीज है, कि इन्हें क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिल चुका है कंसिस्टेंटली, और बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें बताई जो कि हमें उनके कमेंट्स पढ़ के ही पता चला इंदौर का। तो आज हमने उन्हीं की वीडियो, उन्हीं के शहर को सेलेक्ट करा है रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं शौकीन हूँ खाने पीने का, तो मैंने सोचा यार कोई ऐसी वीडियो निकाली हो कि जो एंजॉय करने में मजा आए, तो उसने ये निकाली। तो इंदौर पे आज हमने ये वीडियो निकाली है, तो यूसुफ भाई गौर से रहिए क्या, गौर से देखिएगा, और वो हिंदी में बोलते हैं ना कि वो जुड़े रहिएगा, जुड़े रहिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक टाइटल लिंक और टाइटल यूसुफ भाई आपको पता है, आपको पता है कहाँ होता है, आपको हम क्या बताएं। नाउ लेट्स स्टार्ट। चलें सर आप ये अगर लगा लें तो हम स्टार्ट कर दें, तो हो जाए मुकाबला। दही बड़े लग रहे हैं भाई, मुझे यहाँ दही बड़े बोलते हैं, वहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। जोशी भाई का दही बड़ा हाउस इतना मशहूर होगा बेटा, आसन नहीं आसन आपका है साहब, जल्दी आपने कमाई है, दूर दूर तक आपका जो है बंबई तक नाम फेमस है भाई जोशी। अच्छा। जी कब उड़ाता हूँ, कब उड़ाते हैं जब राजवाड़े के मालिक करीब होते हैं, उड़ा दिया। यू नो दैट इज वन थिंग दैट इज वेरी 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 टिपिकल फॉर पीपल ऑफ इंडिया। मसाला डालता हूँ हल्का सा, हल्की सी निगाहें इधर करो, हल्की सी निगाहें, ये नमक, हल्की सी लाल मिर्च, ये जीरा, ये काली मिर्च, ये अजवाइन, एक ही हाथ में सारे मसाले। जो जी मुंबई तक मशहूर है ये, आपके ग्राहक इंतजार कर रहे हैं और आपके गुलाब जामुन रखी है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज तो है कि अब जो है मेरी शाम शुरू हो चुकी है इंदौर में, इसके बाद इतनी स्फूर्ति आ चुकी है कि क्या नाम था, कौन सा जोशी, जोशी दही बड़ा हाउस। अरे नहीं शान बढ़ा दी, थैंक यू। यूसुफ भाई से पूछेंगे आपके घर से कितना दूर है। हाय हाय हाय, लड्डू लग रहे हैं तो नहीं, ये तो पानी पूरी है। नहीं यार पानी पूरी बोलते ना वहाँ पे, क्या बोलते हैं। नहीं नहीं पानी पानी पूरी तो गोल गप्पे। टॉप नंबर दो, टॉप नंबर दो है विजय चाट हाउस। विजय चाट हाउस आएंगे तो कोपरा पैटी जरूर खाएं। कोपरा पैटी, अच्छा अबे यार फरहान ये चीजें तो खानी पड़ेगी भाई, मेरे मुंह में पानी आ। ये फूड स्ट्रीट्स मुझे बहुत पसंद है, स्ट्रीट फूड जो होते हैं ना, एंड टिक्की, दैट्स समथिंग यू वुड नॉट हैव इमेजिन, बट ओनली टिल यू आर हियर इन इंदौर, एंड व्हेन यू आर हियर इन इंदौर मस्ट ईट दैट, योर इमेजिनेशन हैज जस्ट स्टार्टेड टू रन वाइल्ड। हां जी सर, साहब नमस्कार। नमस्ते सर। पानी पूरी 10 किस्म की कौन सी कौन सी बनती है? 10 अलग अलग वैरायटी होती है। चल वैसे रेगुलर ही दिया आपको मैंने, दस तरीके की खाएगा ये। जीरा, जीरा अबे बस गया। अदरक आएगा इसके बाद आपको, अदरक का यार देख यार यहाँ हमारी रमजान चल रहे हैं और ये ऐसी चीजें दिखा रहे हैं। नेक्स्ट नींबू लेमन वो नहीं रहा, हम देख रहे हैं यार वीडियो हमने सेलेक्ट करी, उन्हें भी आज ही सेलेक्ट करनी थी, ईद के बाद कर लेता। मुझे लगता है गोलगप्पे याद आ, कराची में दही बड़े फ्रेस्को के अच्छे हैं फिर बता दूंगा, और पानी पूरी जो आप लोग बोलते हैं हमारे गोलगप्पे कहलाते हैं, ये कर लगता बात नहीं। जमा रहता ऊपर आ जाता है, राउंडिंग एंड राउंडिंग एंड राउंडिंग, माय पिक, राउंडिंग एंड राउंडिंग एंड राउंडिंग,
मतलब हाजमे आजम। दस किस्म के वो हैं, ये क्या है? कमिंग टू सराफा फॉर मी मींस अ 17 कोर्स मील, और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। चलिए नेक्स्ट स्टॉप भुट्टे की खीर। भुट्टे की खीस, खीस तो मैंने खाई है, लेकिन ये भुट्टे की खीस, खीस यार वो गाय के गो दूध के। कानों से सुनो से बस आगे। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि भाई जलेबी खाओ, सर्दी जुकाम सब ठीक हो जाएगा, इसलिए बिकॉज़ इसके अंदर खमीर होता था। नेचुरल फर्मेंटेशन वाज गुड फॉर द बॉडी, सो इफ यू फाइंड अ फर्मेंटेड जलेबी डोंट थिंक अबाउट द शुगर, जस्ट ईट। अच्छा ये मशहूर जगह है, मशहूर खाने हैं वहाँ के, इंदौर का फूडी नाम है ये चैनल। इसका काम ही सिर्फ खाने पीने का होगा यार, ये तो उधर जाता होगा खाने पीने की सारी चीजें उनके ये वीडियोस बनाता। क्या बोलेंगे फरहान भाई आप? यार यूसुफ भाई आप ये बताएं, ये सारी चीजें आपके घर से कितने कितने दूर हैं? वो जोशी दही बड़ा कितना दूर है आपके घर से, ये जरा हमें बताएं, और कैसा है, कितना मशहूर है? ये बता रहे हैं मुंबई तक इसका नाम है। और वो जो यार मुझे वो चीज बड़ी यूनिक लगी है, जो मसाले एक ही हाथ से सारे डालता है, काली मिर्च और उछाली थी ऊपर तक यार, उसी के ऊपर गिरी है दही बड़े, कैसा होगा जबरदस्त, और हाथ में परफेक्ट है यार, सालों से काम कर रहे होंगे। और यूसुफ भाई बताइएगा, ये जो गोलगप्पे वाला था, पानी पूरी वाला, 10 अलग किस्म की पुदीना अदरक और पता नहीं कौन कौन से, ये बताइएगा ये कितना मशहूर है ये सब चीज़। और इसमें से कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा मजे का है, कि कभी हम आए तो वही खाएंगे? हाँ यूसुफ भाई आप हमें कौन सा फ्लेवर खिलाएंगे आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता अदरक वाला सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर गर्मियाँ होंगी तो फिर मिंट खा लेंगे, मिंट थोड़ा ठंडा होगा। हाँ मिंट, और सर्दियाँ होंगी तो अदरक खा लेंगे, अदरक थोड़ा गर्म होता है, तो ये है। नहीं अच्छा जलेबी भी यार देख के जो पानी आया था मेरे मुंह में मुझे तो गोलगप्पे देख के नहीं लगा, दही बड़े पे मैं पाकिस्तान में, यहाँ पे पूरी दुनिया में रमजान चल रहा है अभी, और यहाँ पर माशाल्लाह से रोजे वगैरह हम लोगों के होते हैं, तो उस दौरान हम लोगों का ये होता है कि हम खा पी नहीं सकते, एज यू नो एवरीबॉडी नोज दैट के व्रत होता है ना इन लोगों का, व्रत होता है, हमारे यहाँ रोजा होता है, तो अब जब अजान होगी तो फिर हम तब खाएंगे, तो उसके दौरान इन्होंने मुझे ये दिखा दिया और अभी मेरे मुंह में आ रहा है पानी। यूसुफ भाई का भी रोजा होगा, यूसुफ भाई का भी रोजा होगा, और ये शैतान बन के हमें बलगरा रहे हैं, पता नहीं क्या बोलो ये। यूसुफ भाई अब ये वीडियो कब देखते हैं? ये मगरिब के बाद देखेंगे, मगरिब से पहले देखेंगे? तू अपलोड कब करेगा ये? मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, और यूसुफ भाई को स्पेशल मैसेज डालूंगा, यूसुफ भाई इस दिन इतने बजे ये वीडियो आने वाली है। तो यार आपसे यूसुफ भाई, ये उस मोहब्बत का इजहार है कि हमने उस आपकी आपके शहर की खाने पीने की चीज़ों पे अब किया है। हमें पता है वहाँ मेट्रो भी बन रही है, और वो जब बनेगी उस पे रिएक्ट करेंगे, और वहाँ पे स्मार्ट सिटी भी बन रहा है, वो जब होगा कंप्लीट तो उस पे हम रिएक्ट करेंगे। और वीडियो को अभी हम यहीं बैंड करते हैं। यूसुफ भाई कोई और चीज़ हो इंदौर की खास हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उस पर रिएक्ट करेंगे। ये नीचे जो वीडियोज़ आ रही हैं, हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, इनको ज़रूर देखिएगा, इसको प्रेस करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन वीडियोज़ पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें, हमें फेसबुक पेज पे उसका लिंक और टाइटल ज़रूर प्रोवाइड करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।